हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा अपने इको स्पोर्ट के वाइपर्स के और वाइपर्स के सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बोनट के नीचे क्या क्या है, तो आज मैं वाइपर्स के बारे में बात करूंगा, जो जिसके वाइपर का टॉगल होता है उसमें क्या क्या फंक्शन आते हैं। आप दो वाइपर देख रहे हो, जो ये फ्रंट विंडशील्ड है इस कार की, तो दो वाइपर हैं इसमें, ये है और एक ये दूसरा है। और जो इसका फ्रंट डिवॉशर आते हैं, तो एक तो दोस्तों ये है और दूसरा वो रहा, ये देखो कैसा दिख रहा है, चूहे की तरह दिख रहा है ना। तो दो डिवॉशर हैं, दो वाइपर हैं आगे, एक यहाँ पर ये ऑटो वाइपर का ऑटो वाइपर का सिस्टम है। यहाँ पे सेंसर्स हैं, तो उसमें क्या है कि अपने आप जैसे ही बारिश पड़ती है तो इसमें अपने आप वाइपर ऑन ऑफ होने लग जाते हैं, अप डाउन होने लग जाते हैं। और ये जो डिवॉशर हैं बहुत ही अच्छे हैं, मैं इनको यूज़ किया और अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप देखेंगे तो इसमें पूरे में स्प्रेड हो जाता है, जैसे कई कार्स में आता है पूरे में स्प्रेड नहीं हो पाता है, बस ये थोड़ा सा ही हो पाता है ड्राइवर और को-ड्राइवर के पास में, लेकिन इसमें क्या है कि पूरा स्प्रेड हो जाता है पानी। ठीक है, अब अपन पीछे चलते हैं कार में। दोस्तों मैं आ गया हूँ कार के पीछे। इसमें एक ये छोटा सा वाइपर है जो पूरा कर ही लेता है साफ, और एक ये जो इसका डिवॉशर है आप देख रहे होंगे, ये देखिए इसका डिवॉशर है, ये बहुत ही छोटा है लेकिन ये भी पूरे में स्प्रेड कर देता है वाटर को। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं कार के अंदर। हाँ तो अब मैं आ गया हूँ कार के अंदर। पहले ही मैंने बात करा था, पायलट सीट पे आ गया हूँ मैं। और ये है अपने वाइपर का टॉगल। ठीक है, एक ये अपने इधर देख रहे हैं आप, इंडिकेटर का है और पास का है, हाई बीम का है टॉगल, और ये सेकंड है अपना वाइपर का। तो जैसे आप इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो ये वाला इंस्ट्रक्शन है, ये है रोटरी। जैसे रोटरी है, जैसे ज़्यादा बारिश आती है या तेज़ बारिश आती है, तो इसमें क्या है कि जो ये वाइपर का जो इंटरवल होता है, अप डाउन होने का इंटरवल होता है, तो उसको कंट्रोल करता है ये। जैसा कि ये आप इसके पास में देख रहे हैं, एक बूंद डैश डैश और ये फिर तीन बूंदें हैं। इसका मतलब कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा वाइपर को अप डाउन करना पड़ता है ऐसे। और इसमें जैसे अपन अगर ये देखो, ये रेक्टेंगल शेप है और ये नीचे से थोड़ा कर्विंग है और ऊपर से भी कर्विंग है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये कर्विंग है वो आगे वाली विंडशील्ड के लिए है, और जो ये रेक्टेंगल शेप वाला कर्विंग है वो बैक वाली विंडशील्ड के लिए है। तो जैसे अपन इसको अगर अप करेंगे तो आगे होगा, और डाउन करेंगे इसको लीवर को तो पीछे पानी फेंकेगा। ठीक है, अभी मैं आपको करके बताता हूँ सारा। अभी मैं आपको जो इसके ऊपर लिख रहा है, ये जो ये साइंस है वो समझा रहा हूँ, अभी मैं करके प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। एक ये है, इसको अगर इस लीवर को डाउन रखते हैं, ये डाउन रखते हैं तो कुछ नहीं होता इसमें, केवल एक बार वाइपर जो आगे वाला है, आगे वाले दोनों वाइपर हैं जो वो चल जाते हैं एक बार केवल। और अब इसको एक पे कर देंगे तो ये ऑटो वाइपर हो जाएगा, जैसे ही बारिश आएगी पीछे वाला और आगे वाला तीनों वाइपर ऑन हो जाएंगे, अपने आप चालू हो जाएंगे। ठीक है, एक अपन दूसरे पॉइंट पे करते हैं इसे, तो थोड़ा तेज होगा वाइपर और अपने आप चालू, बहुत तेज स्पीड में अपने आप, जब मैनुअल अपन कस्टमाइज करते हैं उस हिसाब से अपने आप चलेगा। और एक अपन फुल कर देते हैं तो इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, तो अपन एक करके रखते हैं हमेशा, एक पॉइंट सबसे नीचे कर दो और फिर एक एक पॉइंट कर दो, ताकि ये ऑटो वाइपर के मोड में आ जाए। ठीक है, अब ये है बात इसकी। अब ये पीछे वाले वाइपर का है, जैसे ये क्या है, नीचे ही नीचे है तो इसमें कुछ नहीं है, पीछे वाला वाइपर काम नहीं करेगा। अगर अपन एक में कर दिया तो धीरे काम करेगा, और फिर दो बार होगा और फिर डाउन हो जाएगा, फिर उठेगा, फिर काम करेगा, फिर डाउन हो जाएगा। ठीक है, और अपन ने दूसरा पॉइंट कर दिया, अप कर दिया, लास्ट में अप कर दिया, तो लास्ट एंड में अप करने के बाद में तो पीछे वाला जो वाइपर है वो रेगुलर अप डाउन रहता रहेगा, इससे कि क्या है कि जो वाइपर है रुकेगा नहीं और ना ही इंटरवल होगी कोई। ठीक है दोस्तों, अभी इनको जीरो कर देते हैं अपन, इसको जीरो वापस कर दिया है, और पहले वाली स्थिति में सारा मामला आ चुका है। ये देखिए, ये वाला पीछे वाले का हो गया, ये वाला सारों का हो गया ऑटो का और ज़्यादा स्पीड का, ये वाला हो गया इंटरवल का, और ये वाला हो गया
डिवॉशर का, ताकि विंडशील्ड पे अगर गंदगी हो तो पानी मार के अपन साफ कर ले, पीछे वाला, और पीछे वाला ऊपर वाला और आगे वाला नीचे वाला। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अब मैंने इग्निशन ऑन कर लिया है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ आपको। अब अपन करते हैं, ये देखिए, अब आपके सामने मैं इसको, इस टॉगल को एक बार नीचे करूँगा और ये आप सामने वाले वाइपर एक बार ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, ये कर दिया, ये एक बार हो गए, अब ये बंद हो गया। ठीक है, ये बंद हो गया। अब अपन इसको ऑटो में कर देते हैं, ये एक बार होके बंद हो जाता है और जब बारिश आएगी तो अपने आप चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, इसको एक डाउन करूँगा तो ये देखिए धीरे धीरे हो रहा है। अब मैं इसको लास्ट अप कर दूंगा तो ये देखिए स्पीड तेज हो गई। ठीक है, एक इसका ये सिस्टम हो गया, अपन ऑटो पे कर दिया। ठीक, अब इसको अपन अप करेंगे। ठीक है, तो आगे वाले में पानी होगा, ये देखिए, आप देखिएगा, ये देखिए पूरे में स्प्रेड हो रहा है पानी। ठीक है, एक अपन पीछे देखेंगे, अब इसको मैं डाउन की साइड करूंगा तो ये देखिए डाउन कर दिया। ये देखो पीछे वाला वाइपर भी ऑन हो गया, तो वो दो तीन बार चलेगा बस और फिर बंद हो जाएगा। एक मैं इसको एक अप करता हूँ तो पीछे वाला वाइपर देखिए अप ही है, एक ही अप है अभी, ये देखिए वापस उठेगा अभी, ये देखिए इसी स्पीड में उठेगा। और अब मैं लास्ट एंड अप कर देता हूँ तो ये देखिए रेगुलर चालू रहेगा। ठीक है दोस्तों, पीछे वाले वाइपर को अपन चुप कराते हैं। अपन आते हैं आगे वाले पे। अब आगे वाले में जो अपन ऑटो मोड ऑन कर दिया है, इसका एक डाउन था एक अप कर दिया, तो फर्स्ट जो कर देते हैं अपन, फर्स्ट पॉइंट कर देते हैं इसका, तो वो होता है ऑटो में। ठीक है, ये था आपके वाइपर के बारे में जानकारी, इको स्पोर्ट का वाइपर कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, तो डिवॉशर के बारे में जानकारी। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊं, या फिर आप बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या था जो मैं नहीं बता पाया, ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीट बेल्ट बांधिए, हेलमेट पहनिए, कोरोना से बच के रहिए, घर में ही रहिए ताकि आप कोरोना से बचे रहें और मेरी वीडियो देखते रहें, ऐसे ही देखते रहें। और सीट बेल्ट बांधिए, रूल्स फॉलो कीजिए, सामने वाले की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि भविष्य बेहतर हो सके।